कोई कंसिडरेशन नहीं है वुमेन राइट्स की, कोई कंसिडरेशन नहीं है रिस्पेक्ट की, लिबर्टी और फ्रीडम, तो बहुत दूर की बात, ये औरतों को इंसान नहीं समझते, इन्होंने औरतों को एक कमोडिटी भी क्या जानवर का जानवर समझ कर रखा हुआ है। इनके लिए औरतें इट्स लाइक जस्ट फॉर देयर सेक्सुअल अपीजमेंट एंड फॉर देयर सेक्सुअल अब्यूज, दैट्स इट। उनको लेके बकरे की तरह ज़बह करते थे और वीडियो मेरे पास है, और कहते थे अल्लाह अकबर, इनको जानवर समझकर ज़बह किया था, और ऐसे लगते थे जैसे 100-200 लोग एक साथ 100-200 लोग एक साथ, वीडियो लाइव है मेरे पास। इनको तो कहना, इनके लिए तो इब्लीस यानी कि शैतान, शैतानी सब कुछ है, अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग मुझे समझ भी नहीं आता। इलाज सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों को फौरन बंद करना होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, दोस्तों आज के समय में इस्लाम को एक शक की नज़र से देखा जाता है, और इस सोच का कारण कुछ इस्लामिक देश है जिनमें पाकिस्तान और तालिबान के लोग सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर सारे बुरे काम किए जाते हैं, वहीं औरतों और बच्चों पर भी जुल्म ढाए जाते हैं, और यही हालत फिलहाल अफगान की है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप पाक न्यूज रिपोर्टर आरजू काजमी और अफगान न्यूज रिपोर्टर को देखेंगे, जिन्होंने इस्लाम के नाम पर चल रही इस करतूत के बारे में पूरी हकीकत बताई है, और शायद इसीलिए ही दुनिया इस्लाम को आने वाले समय का सबसे बड़ा खतरा मानती है और मुस्लिम्स को एक शक की नजर से देखते हैं, क्योंकि शायद दुनिया को अब इस कौम पर भरोसा नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। तालिबान तो कह रहा था कि हम बदल गए हैं, बदले की कोई कार्रवाई नहीं होगी, सबको साथ में लेकर चलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, उनके अधिकारों का हम ध्यान रखेंगे। आपको लग रहा है कि तालिबान बदला है जरा भी? अगर बदला है पर न्यूज चैनल में लेडीज क्यों नहीं है, आजादी बयां क्यों नहीं है, लेडीज क्यों अपने दिल का बात नहीं कर सकते, लेडीज क्यों बाहर नहीं जा सकते, लेडीज का क्यों अपना दिल की बात नहीं बोल सकते, यहाँ लेडीज अफगानिस्तान में सब घरों में लेडीज तो लेडीज जेंट्स भी सब घरों में फंस चुके हैं, सब ऐसे हालात में जीते हैं जैसे लेडीज भी लेडीज है और जेंट्स भी लेडीज बन चुके हैं, सब घर में और फंसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अब कुछ अरसे के बाद ये पूरा अफगानिस्तान खाली हो जाते हैं, वो इसलिए कि किसी को भी पता नहीं है कि अगेन क्या होते हैं, वो क्यों, वो इसलिए कि जैसे पिछले लोग बैंक में था वो अब घर में, जो तालिबान है वो उनकी जगह पे आ गया है। सबसे पहले बैंक बंद है, उसके बाद स्कूल यूनिवर्स। सिमरन आप बताइए, चार दिनों के पहले आपने कहा कि आपकी किसी रिश्तेदार से बातचीत हुई है, उन्होंने वहां के तांडव की पूरी कहानी बयां की है, क्या है स्पष्ट तौर पर बताइए कि अभी हालात वहां पर कितने ज्यादा परेशान करने वाले हैं और कितना अंधेरा छा चुका है इस वक्त अफगानिस्तान में। जी, हालात अफगानिस्तान में इस वक्त दिल दहलाने वाले हैं। आप अफगानिस्तान की अगर हम बात करें औरतों की, तो मैं चार दिन पहले अपने ही रिलेटिव से बात करी थी और उन्होंने बोला कि डोर टू डोर जाकर लड़कियों को घसीटा जा रहा है, उनके घर से निकाला जा रहा है और उनका रेप किया जा रहा है, कईयों जो रिवोल्ट कर रही हैं, जो रिजिस्ट कर रही हैं, उनका मर्डर किया जा रहा है। कोई कंसिडरेशन नहीं है वुमेन राइट्स की, कोई कंसिडरेशन नहीं है रिस्पेक्ट की, लिबर्टी और फ्रीडम, तो बहुत दूर की बात, ये औरतों को इंसान नहीं समझते, इन्होंने औरतों को एक कमोडिटी भी क्या जानवर का जानवर समझ कर रखा हुआ है। इनके लिए औरतें इट्स लाइक जस्ट फॉर देयर सेक्सुअल अपीजमेंट एंड फॉर देयर सेक्सुअल अब्यूज, दैट्स इट। औरतों को उनके घर से निकाला जाता है, 15-15 साल की छोटी छोटी बच्चियों को उनके घर से किडनैप किया जा रहा है। चार दिन पहले आपकी रिलेटिव से बातचीत हुई है, उन्होंने ये बातें बताई हैं? जी, ये सब कुछ अभी हाल की बात है, ये हाल की बात है। लेकिन तालिबान तो प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, वो अब बिल्कुल बदल चुका है, वो महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि नहीं महिलाओं को हम साथ में लेकर चलेंगे। अब वो इंसानों सब गलत है, वो इंसानों को साथ में नहीं लेकर जा पा रहे हैं, वो खुद इंसान नहीं है, वो जाहिल जानवर हैं, उन्हें ह्यूमन राइट्स का आइडिया नहीं है, वो वुमेन राइट्स का क्या आइडिया होगा उन्हें। वो एक आदमी को हेलीकॉप्टर से लटका सकते हैं और वो लोगों को सरेआम मार सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, क्या हमने आज अभी नहीं देखे कि तालिबानों ने क्या हालात अफगानिस्तान में कि लोगों को किस तरीके से मारा है, किस तरीके से भुखमरी से लोग मरे, किस तरीके से लोगों को शूट किया है। और शाहीन, आपके पास तो लगातार वहां की वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके लोकल लोग हैं वो आपको लगातार बता रहे हैं, और किस किस तरह, चूंकि अभी हम लाइव इसको नहीं दिखा सकते क्योंकि विचलित करने वाली तस्वीरें होंगी, लेकिन आप जरा बताइए कि वहां की क्रूरता की पराकाष्ठा की किस तरह की तस्वीरें आपके पास है? ये कुछ दिन पहले का बात है, जिस टाइम ये लोग पहुंच गए यानी पकड़ लिया गया, जिस जगह को इन्होंने कब्जा किया लाइव, जो उनके साथ लड़ते थे, जो
ऑफिस में, जैसे आर्मी के ऑफिस, पुलिस ऑफिस में गया, जो पुलिस का कपड़े उनकी बदन में थे उनको लेके बकरे की तरह जबा करते थे, और वीडियो मेरे पास है, और कहते थे अल्लाह अकबर, इनको जानवर समझकर जबा किया था। और ऐसे लगते थे जैसे 100-200 लोग एक साथ 100-200 लोग एक साथ, वीडियो लाइव है मेरे पास। आप जरा सोच सकते हैं एक मुल्क के भीतर क्या कुछ हो रहा है। शाजिया, आप कुछ बोलना चाह रही हैं इनकी बातों पर? जी चित्रा जी, मैं बहुत देर से दो तीन बात कहना चाह रही। देखिए करते हैं और अल्लाह हो अकबर बोलते हैं, तो अल्लाह अकबर अब मतलब अल्लाह का नाम ले रहे हैं, और ये इनको तो कहना, इनके लिए तो इब्लीस यानी कि शैतानी सब कुछ है। अल्लाह का नाम क्यों ले रहे हैं ये लोग, मुझे समझ भी नहीं आता। लेकिन तीन चीजें कहना चाहती हूँ बस, बहुत ही ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका मैं। चित्रा जी देखिए, आप कितनी परेशान थी, और जिम्मेदार आप और आपका चैनल है कि आप तस्वीरें ऐसे दिखा भी नहीं पा सकती हैं। जो नाटकीय रूपांतरण होते हैं, जो फिक्शन भी होता है, उसमें भी हम ऐसी तस्वीरें नहीं दिखाते। जी जी, लेकिन ये लोग बाकायदा एक आदमी को लटकाकर, मेरी बात सुने, वो इसलिए अल्लाह अकबर कहते हैं कि हमारा दीन और धर्म इस्लामियत को बदनाम करे, और हमको जानवर समझा कर समझ, वो जो मुस्लिम है वो कहते अपने आप को मुस्लिम, और हमको कहते जो अमेरिकन या जो जॉब करने वाले थे, जो पिछले नेताओं के साथ थे, वो उनको मजाक उड़ा के ऐसे बोलते हैं, समझते हैं, वो अपने आप को मुस्लिम दिखाते हैं। जी वही, मैं वही बात कह रही हूँ कि ये इब्लीसी उनकी सोच है, इनको तो कहना चाहिए शैतान और अकबर, क्योंकि वो शैतान की चाल पे चल रहे हैं। और एक और शैतानी वाले बात आप ही की, जैसे ये लोग लाहौर में कुछ दिन पहले लीडीज के साथ बर्ताव किया, उसका कपड़े निकाल दिया और सड़क में, और ये हेलीकॉप्टर में, ये सब इनका अपना है, ये इनका नया चैनल, नया चाल है। वो इसलिए कि लोगों को दिखा रही है कि ये पाकिस्तान का हाथ नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, पर वो पर जो एक ड्रामा था, जैसे लीजिए आम कपड़ा पाकिस्तान दिया, का आप नाम ले रही हैं, अपना लोग था वो। आप कह रहे हैं कि तालिबान में जो तालिबान जो कुछ अफगानिस्तान में कर रहा है, पाकिस्तान उसको पूरा सपोर्ट दे रहा है। मेरे पास वीडियो है जो बलूची बात करते हैं, बलूची बात करते हैं, उर्दू बात करते हैं, पंजाबी बात करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो ये पड़ोस में रहा, पीओके भी अगर हिंदुस्तान के कब्जे में होता तो फिर अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी होता। पूरी दुनिया देख रही है क्या पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान क्या हाल कर रहा है, ह्यूमन राइट्स के ये तो आप जानवर भी नहीं कह सकती, क्योंकि जानवर भी नहीं, ये जानवर को भी मतलब जलील कर रहे हैं ये लोग, अगर इनको आप जानवर कहेंगी, जानवर भी जलालत नहीं करेगा जो ये लोग कर तो रहे बात हैं। तो ईरान को बैन किया गया है, ब्लैक लिस्ट में डाला गया है, कोरिया को डाला गया है, पाकिस्तान को क्यों नहीं डाला जा रहा है, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। पाकिस्तान में, वजीरिस्तान में और क्वेटा में सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कैंप है आतंकवादियों के, और वहीं से बढ़ावा मिलता है हर एक चीज को, लेकिन पाकिस्तान लगाम क्यों नहीं लगाता है इस पर? देखिए पाकिस्तान में ये माइंडसेट आज का नहीं है, इमरान खान साहब को तो सिर्फ 3 साल हुए हैं, ये तो पिछले 30-40 साल का है जो हम लोग भुगत रहे हैं। ये तो जब जियाउल्लाह की गवर्नमेंट थी उस टाइम से ये माइंडसेट यहाँ पे बनाया गया है, और अभी कुछ ही महीने पहले पंजाब टेक्स्ट बुक में जो है मलाला यूसुफजई की पिक्चर प्रिंट की गई थी बताने के लिए नेशनल हीरोज के साथ, तो इतना हंगामा मचाया गया कि वो टेक्स्ट बुक्स उठानी पड़ी गवर्नमेंट को, वो हटा दिए उन्होंने, इतने ज्यादा प्रेशराइज हुए हैं ये। दूर क्या जाऊं मैं, कल आपके यहाँ इवेंट था ना, वो एक आप लोग फेस्टिवल मना रहे थे जन्माष्टमी, मैंने उसकी पोस्ट ट्विटर पे लगाई है, तो मुझे इनबॉक्स लोगों ने बुरा भला कहा है कि आप जो है वो इस तरह की पोस्ट लगा रही हैं और आप इस्लाम से बाहर हो गई हैं, आप जो है काफिरों के साथ हो गई हैं, और पता नहीं क्या कुछ, मुझे सिर्फ कल की बात बता रही हूं मैं। तो ये तो माइंडसेट है यहाँ पे, तो फिर इस माइंडसेट का इलाज क्या है, सवाल ये है ना, क्योंकि आप जैसे आधी आबादी पाकिस्तान में, अगर उनको भी पूरी तरह से सिर से लेकर पैर तक कह दिया जाए कि हाथ भी नहीं दिखना चाहिए, आप उसको ढक कर रखो, टेलीविजन चैनल से हटा दिया जाए, सबके अधिकार छीन लिए जाए, महिलाओं को घरों के भीतर कैद कर दिया जाए, और अफगानिस्तान में जिस तरह की स्थिति है, पाकिस्तान बहुत दूर है नहीं, और आपने कहा कि 60% से ज्यादा लोगों की मानसिकता भी वही है, तो ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? इलाज सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो मदरसे चल रहे हैं उन मदरसों को फौरन बंद करना होगा, जहां पे ये बच्चों के जहनों में जहर भरते हैं, और वहीं से चाहे वो बुरे इंसान बन के निकलें या दहशतगर्द बन के निकलेंगे, मदरसे जब तक कंट्रोल नहीं होंगे, जहां पे फंडिंग भी की जाती है, हर तरह की सपोर्ट दी जाती है, Correct. जब तक ये कंट्रोल में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ब्रांड वॉश होते हैं करेगा मदरसों में, अगर ब्रांड वॉश होते हैं। ये कहते हैं वहां का क्रिकेटर शाहिद आफरीदी इतना बड़ा
पूर्व क्रिकेटर रूस की ओर से कहा जाता है वो वेलकम करता है इस तरह के तालिबानियों का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से कहा जाता है कि भैया इन्होंने तो जंजीरों को तोड़कर आजादी पाई है, तो फिर वहां के इस ये जो नफरती सोच वहां पर उपज रही है उसका इलाज